अगर एक एकड़ में कोई किसान आपसे सेव का पौधा लेके लगाएगा तो एक साल में कितना कमाएगा? एक साल में आपको 8 से 9 लाख रुपए आराम से कमाएगा। मतलब एक साल में 8 से 9 लाख रुपए एक एकड़ में लगाता है तब? दिखाइए जरा, उतारिए, देखिए ये सेव का ये खूबसूरत पौधा, और दिखाइए कितना जबरदस्त इसमें एक फल लगा है जिसका तस्वीर आप देखिए। ये पक गया है क्या? देखिए पक गया है, अभी लाइट आ रहा है, स्पेशल लाइट लगेगा तो ये ज्यादा कलरफुल होगा। और वो उस पे लगा है थोड़ा, तो उसको उतारिए ना, दिखाइए दिखाइए एक पौधा और इसमें अलग अलग अनेक सेव जो है लगे हुए हैं। और ये दिखाइए सेव का ये पौधा, और बिहार के लोग भी सेव के पौधा को लगा करके साल में लाखों की कमाई कर सकते हैं। बिहार और नेपाल के किसानों के लिए यह खुशखबरी, देखिए सेव का एक पौधा इतनी टेम्परेचर में भी दिखाई, यहाँ पे जबरदस्त सेव फला है। इतना ठंडी प्रदेश वाले जगह में अगर सेव निकला इसका स्वाद कैसा होगा? देखिए पेड़ से निकला यह सेव, और इसको जो है हम लोग चखेंगे। लाइए भाई साहब छुरी दीजिए, अब इसको हम लाइव आपको दिखाते हैं काट के, ये जो है कैसा लगेगा। लीजिए आप मुखिया जी, लीजिए, चलिए हमारे साथ अभी मुखिया जी हैं, मुखिया जी भी और हम भी सेव का स्वाद लेते हैं एक साथ में। चलिए गजब, मतलब स्वाद है, स्वाद है। आपको क्या लगता था कि खाली कश्मीर का किसान ही सेव का खेती कर सकते हैं? गलत, अब यूपी बिहार और नेपाल के किसान भी सेव का खेती करेंगे, खूब खाएंगे, खूब बेचेंगे और लाखों पैसा कमाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक किसान चाचा है और ये एक सेव का पौधा लगाए और पौधा से फल भी निकला, और फल अभी यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे भी। अब आपके मन में एक सवाल चलता होगा कि सेव तो भैया ठंडा प्रदेश में लगता है और ठंडी के मौसम में फलता है, तो इतना कड़कड़ाहट के गर्मी में सेव कैसे मिलेगा? हम आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी, और चखके उसका स्वाद भी दिखाएंगे कि वाकई में यूपी बिहार और नेपाल के जो किसान है अब आसानी से सेव का खेती करके लाखों की कमाई कर सकते हैं। पहले आप देखिए ये सेव का एक पौधा है और पौधा में सेव भी लगा है। हम बारी बारी से सभी चीजों को दिखाएंगे, पहले सेव को लगाने वाले किसान हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? अच्छा ये जो पौधा लगा है किस चीज का पौधा है? सेव का। मतलब हरिमन 99 का, मतलब सेव के हरिमन 99 प्रजाति का पौधा है। अच्छा पौधा लगाए भी और फल भी निकल आया। अच्छा कितना दिन के बाद ये फल देने लगा? साल भर के बाद में फूलता है और 2 साल में मतलब फल दिया। अच्छा कितने दिन पहले इसको लगाए थे आप? 2.5 साल। 2.5 साल पहले जब लगाए थे उस समय यह पौधा जो है बहुत लंबा दिख रहा, उस समय कितना बड़ा था? 1.5 फीट का मतलब हमको मिला हुआ था। 1.5 फीट का, मतलब मात्र 1.5 फीट का पौधा आज से 2.5 साल पहले आप लगाए थे और आज ये पौधा जो है इतना बड़ा हो गया। अच्छा पौधा लगाए थे उस समय पता था उसमें? नहीं था। हाँ कैसा दिख रहा था? डंटा के तरह, मतलब लगा कि एक डंटा जो है कोई आपको लगा दे दिया। डंटा और जड़ बहुत था उसके नीचे। अच्छा एक बात बताइए, जब पहली बार इस पौधा को आप लगाए थे लगा था कि फल देगा? विश्वास तो नहीं, मतलब जब बोले कि गर्मी प्रदेश में होने वाला प्रजाति है तो हमको विश्वास नहीं था, फिर भी जब कहे कि हरिमन जो साइंटिस्ट है वो मतलब रिसर्च करके गर्मी प्रदेश के लिए ही लगा, बहुत से लोग वहाँ पर बोलने लगे कि झराइन लगेगा, इसका स्वाद उगने के लिए उगेगा लेकिन टेस्ट नहीं होगा, अभी खा कर देखेंगे कि कैसा टेस्ट होता है। अच्छा जिस समय लगा उस समय लोग स्वाद की बात कर रहे थे, आपके मन में सवाल चल रहा था पता नहीं पौधा फल देगा कि नहीं देगा, आप फल के बारे में सोच रहे थे, लोग स्वाद के बारे में सोच रहे थे? अब प्रोडक्ट के बारे में स्वाभाविक है, जिसको जो मन होता है बोलता ही है। अब तो विश्वास हो गया कि अब पौधा लगेगा तो आराम से सेव मिल सकता है। मिला। चलिए हमारे साथ अभी गौर नगर पालिका के कृषि शाखा के प्रमुख भी हैं, सर से भी कुछ बातचीत करेंगे। क्या सामने? बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। अच्छा सर आपके गौर नगर पालिका के 8 नंबर वार्ड में एक खड़ा सेव का पौधा में लगे 5-6 सेव, देख के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, लग रही है। प्रमोट करने के लिए मैंने पहले ही जब हमारे वीरू भाई आए थे हमारे कृषि शाखा में संपर्क किए थे तो मैंने इन्हें लीडिंग 4-5 किसान से भेंट करा दिया था और मैंने कहा था कि आप प्रयोग के तौर पे 2-4 पौधा लगाइए, उसका किस तरह का आउटपुट आ रहा है उसके बाद इसको आगे नगर पालिका में पूरे नगर पालिका में प्रसार किया जाएगा और इस तरह से आगे तक बढ़ा। अच्छा कृषि से संबंधित बहुत सारी चीजों को आप देखते रहते हैं जी, कभी इससे पहले देखे थे कि नेपाल के इस तराई क्षेत्र में जो है सेव का पौधा लगाया जाए और फल निकाला जाए?
नहीं, तराई क्षेत्र में अथवा किसी पहाड़ और हिमालय में तो है, लेकिन तराई क्षेत्र में इस तरह से सेब का पौधा का हमने कोई खास जानकारी नहीं प्राप्त किया है अभी तक। जो हमको लग रहा है कम से कम रोहतक जिले में ये पहली बार यही गौर नगर पालिका में ही दिख रहा है। मतलब ये किसान चाचा लगा है, समझिए आपके लिए एक प्रैक्टिकल हुआ है जी, बहुत बड़ी चीज हुई है कि सेब का पौधा लगा के फल निकाला। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यदि यहाँ के किसान इस तरह से सेब उगा सकेंगे और सेब का मार्केटिंग किया जाएगा, व्यवसायिक तौर से सेब का उत्पादन किया जाएगा, तो ये किसान के लिए भी आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद रहेगा और स्थानीय उत्पादन का स्वाद चख के उपभोक्ता भी बहुत खुश होंगे। अच्छा, जिन किसानों को लगता था कि हम केवल धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, गन्ना यही सब फसल लगा के पैसे कमाते हैं, लेकिन अब क्या लगता है कि सेब के पौधा लगा के भी साल में लाखों की कमाई की जा सकती है? बिल्कुल, व्यावसायिक खेती करके इस सेब का अच्छा टेस्ट निकाल के और इसको यदि प्रसार में लाया जाए तो इससे बहुत अच्छी कमाई। किसानों से क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? किसान से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि जो ये हमारे प्रयोग के तौर पे 2-2.5 वर्ष का जो समय इसने लिया है तो ये कम से कम 3-3.5 वर्ष का समय लेगा और 3-4 वर्ष तक तसल्ली से रहना पड़ेगा, तब सेब का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। तराई क्षेत्र में भी, गर्म प्रदेश में भी मुझे जो पता है 40-45 डिग्री तापमान में भी सेब का उत्पादन किया जा सकता है और इसे सफल बनाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है। चलिए, बाकी अभी हमारे साथ गौर कृषि शाखा के सर थे, बाकी इस पौधा को मतलब बेचने वाले देने वाले भाई साहब भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम वीरू भाई है। अच्छा वीरू भाई, एक बात बताइए, ये जो सेब का पौधा आप गर्म प्रदेश में लगा के 40-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में उगाए हैं, एक पौधा कितना सेब दे सकता है? एक पौधा मिनिमम आपको 40-50 के जी सेब दे सकता है। मतलब एक पौधा से 40-50 के जी सेब? बिल्कुल, मतलब यूपी, बिहार, नेपाल में भी लगाया जा सकता है इस पौधों को आराम से। आप देख रहे हैं कि सटे बर्गिनिया बॉर्डर है और वहाँ पर हम लगाए हैं और सेब आ गया है। सेब आ भी गया है, पक भी गया है। बिल्कुल पक गया है। अच्छा, अगर एक एकड़ में कोई किसान आपसे सेब का पौधा लेके लगाएगा तो एक साल में कितना कमाएगा? एक साल में आपको 8-9 लाख रुपए आराम से कमाएगा। मतलब एक साल में 8-9 लाख रुपए एक एकड़ में लगाता है तब? इस समय मिनिमम आप समय सेब का रेट अगर चल रहा है मार्केट में तो 200-250 रुपए किलो रहता है, आप होलसेलर में 150 रुपए के जी भी निकाल दीजिएगा तो आप जोड़ लीजिए कितना पैसा कमाया जाता है। आराम से 8-9 लाख रुपए कमा सकता है किसान। फल कितना के जी के हिसाब से बेचेंगे तो एक पौधा में जो है 50 के जी सेब आएगा, मतलब 7,500 का सेब एक पौधा से बेचा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आप देखिए, इसी पौधा की हम बात कर रहे थे कि गर्म प्रदेश में मतलब 40-45 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर वाले क्षेत्र में भी सेव का पौधा लगाया जाएगा और फलेगा। दिखाइए जरा, उतारिए, देखिए ये सेव का ये खूबसूरत पौधा और दिखाइए कितना जबरदस्त इसमें एक फल लगा है जिसका तस्वीर आप देखिए। ये पक गया है क्या? देखिए पक गया है, अभी लाइट आ रहा है, इस पे सनलाइट लगेगा तो ये ज्यादा कलरफुल होगा। और वो उस पे लगा है थोड़ा तो उसको उतारिए ना, दिखाइए दिखाइए एक पौधा और इसमें अलग अलग अनेक सेव जो है लगे हुए हैं और ये दिखाइए सेव का ये पौधा। और बिहार के लोग भी सेव के पौधा को लगा करके साल में लाखों की कमाई कर सकते हैं। बिहार और नेपाल के किसानों के लिए ये खुशखबरी, देखिए सेव का एक पौधा इतनी टेम्परेचर में भी दिखाई आप जबरदस्त सेव फल आया है। लाल है। धूप लगने के कारण ये लाल होता है, इस पर सनलाइट लगेगा तो ये लाल होगा और भी लाल होगा, इससे भी ज्यादा लाल होगा। तो पहली बार अभी सेव आया है, यही खुशी है सबसे बड़ी। बाकी आप देख सकते हैं कि सेव का ये पौधा, देखिए एक ये पौधा है, आज से 2-2.5 साल पहले इसको लगाया गया और इसमें देख सकते हैं कि 1-2-3-4-5 मतलब फल इसमें अब तक बचे हुए हैं। हाँ, 2 टूट गया है इसमें, 7 फले थे। हाँ, 7 फल, 2 टूट गए जी और 5 बचे हुए हैं। 5 बचा हुआ। बाकी ये तस्वीर जो हम आपको गौर नगर पालिका के 8 नंबर वार्ड से दिखा रहे थे, ये तस्वीर देख करके आपको भी शायद लगता होगा किसानों के लिए खुशखबरी। क्या लगता था कि बिहार के किसान, नेपाल के किसान केवल धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, गन्ना की खेती करके ही पैसे कमाएंगे? गलत। अब आप सेब की खेती करिए, ऐसे सेब के पौधा को लगाइए और एक साल में लाखों लाख की कमाई आराम से करिए। अच्छा एक बात बताइए, ये पौधा कहाँ से लाते हैं आप? ये पौधा हम हिमाचल प्रदेश से लाते हैं और अपने से हम ग्राफ्टिंग करवा के लाते हैं, क्योंकि पौधा आजकल 2 नंबर भी लोग दे देता है तो हम अपने से ग्राफ्टिंग करवा के लाते हैं और किसानों में वितरण। अच्छा ये पौधा लगाने का मौसम क्या है, कब इसको लगाया जाता है? इसको लगाया जा सकता है आपको नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, इसको बारिश के मौसम
थाला प्लास्टिक में तैयार करते हैं तो किसी भी मौसम में आप लगा सकते हैं, मतलब कि नवंबर दिसंबर में इसको लगा सकते हैं। और कितने साल के बाद से फल देने लगेगा? ये आपको तीसरा साल से देने लगेगा। एक पौधा कितना फल देगा? 40 से 50। एक पौधा से कितना पैसा कमाएंगे? एक पौधा से मिनिमम 7-8 हज़ार रुपए ले लीजिए। और एक साल में अगर एक एकड़ में लगाएंगे तब कितना कमाएंगे? 7-8 लाख रुपया। मतलब किसानों के लिए खुशखबरी की एक एकड़ में लगाइए और 7-8 लाख रुपए एकदम मजे से कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाकी हमारे साथ यहाँ मुखिया जी भी है, मुखिया जी से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अच्छा, सोचे थे सर कभी कि गांव में गांव के किसान, नेपाल के किसान, बिहार के किसान इस तराई क्षेत्र में सेव का फसल का उत्पादन करेंगे? नहीं, हम लोगों आज तक सुनने में आ रहा था जम्मू कश्मीर इंडिया के ठंडा मुलुक में और नेपाल के हमारे ठंडा मुलुक में पोखरा साइड में होता था, लेकिन आज ये नया जो है एक आज देख करके हम भी मतलब आश्चर्य जैसे हमको महसूस हो रहा है कि एक कम से कम एक गर्मी जगह में भी आप लोग कि कौन टेक्नोलॉजी कौन प्राविधिक के हिसाब से यहाँ पर उत्पादन किए, सेव भी देख रहे हैं अभी 7-8 को फल लगा हुआ है। इससे हमको बहुत हर्षित खुशी लग रहा है कि कम से कम ऐसा ऊर्जा यदि हो तो किसान जो है सो एकदम खुशहाल, एकदम ज्यादा पैसा कमा सकते। गांव के किसान को लगता है चाचा कि धान गेहूं मक्का बाजरा बस यही लगाएंगे, 10,000-20,000-50,000 रुपए कमाएंगे, लेकिन सेव का लगाएंगे तो साल के 10-9 लाख रुपए आराम से। एकदम सही बात है। किसानों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अपने क्षेत्र के किसानों को क्या कहेंगे? हम यही किसान लोग को कहेंगे कि आ करके देखे और जो है आप लोग से सहयोग लेकर के ये सेव के खेती करे। मैं किसान लोग को भी आज देखने के बाद हम स्वयं किसान है, हम भी प्रेरित हुए है कि हम भी कम से कम देखने के बाद हम भी कुछ पौधा लगाएंगे, पौधा लगाए, पक्का लगाएंगे, एकदम पक्का लगाएंगे। चलिए, मुखिया जी को आप सुन रहे थे। मुखिया जी बहुत खुश है, खुश इसलिए कि गांव में इतनी गर्मी वाली प्रदेश में सेव का खेती करना मुश्किल नहीं, बड़ा नामुमकिन था, लेकिन अब आसान हो गया है। एकदम आसान हो गया, एकदम आसान हो गया, देखने के बाद एकदम आसान हो गया। हाँ, अभी इसका स्वाद भी हम लोग चखेंगे एकदम। चलिए, बाकी आप देखिए ये सेव का पौधा, और इसमें दिखाइए थोड़ा सा, इसको झुकाइए नीचे, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे एक पौधा सामने दिखाइए, वहाँ पे दिखाइए, वहाँ पे वो दूसरा फल दिखाइए, यहाँ पे ये दूसरा फल इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ दिखाइए, ये तीसरा फल यहाँ पे है, यहाँ दिखाइए चौथा फल है, और एक और कहीं था, कहाँ गायब हो गए? चले उधर से है, मतलब कि 5 सेव इसमें बचे हैं। अब कहानी इस बात पे टिका है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल कि बिना सेव प्रदेश वाले, मतलब बिना ठंडी प्रदेश वाले जगह में अगर सेव निकला इसका स्वाद कैसा होगा। देखिए, पेड़ से निकला ये सेव, और इसको जो है हम लोग चखेंगे। लाइए भाई साहब, छुरी दीजिए, अब इसको हम लाइव आपको दिखाते हैं काट के। सर ये जो है कैसा लगेगा, लीजिए आप मुखिया जी, लीजिए। चलिए, हमारे साथ अभी मुखिया जी हैं, मुखिया जी भी और हम भी सेव का स्वाद लेते हैं एक साथ में। चलिए, गजब, मतलब स्वाद है, स्वाद है। गांव का सेव, अपने दरवाजे का सेव पहली बार खा रहे, कितना मजा आ रहा है, एकदम अच्छा है, स्वाद कैसा है? भी अच्छा, जबरदस्त है, एकदम जबरदस्त। इसको समय दिया जाए तो बहुत तगड़ा टेस्ट आएगा, तो देहाती टेस्ट इसमें है, एकदम एकदम देहाती टेस्ट। कैसा लग रहा है मुखिया जी? एकदम बहुत अच्छा। अपने दरवाजे पे लगे पौधा का सेव खाते हुए हम दोनों बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना? एकदम अच्छा, जबरदस्त है भाई साहब। ये देखिए, इसी पौधा का सेव, जबरदस्त, एकदम मजा आ रहा है, इसका स्वाद भी तगड़ा है, और पौधा भी देखिए 2 से 2.5 साल में पौधा फल देना शुरू कर दिया। बाकी ये वीडियो गौर नगर पालिका के 8 नंबर वार्ड से हम दिखा रहे थे, जहाँ पे एक किसान चाचा हैं जो सेव का पौधा लगाए थे, के मुखिया जी हैं, और यहीं के स्थानीय मुखिया जी हैं। मुखिया जी से मैंने बातचीत किया, मुखिया जी भी अब संतुष्ट है, और पौधा ये भी लगाएंगे, और किसानों को भी प्रेरित करेंगे अभी पौधा लगाइए, धान गेहूं में तो कमाते हैं, बाकी सेव की पैदावार करके भी बढ़िया पैसा कमाइए। ज्यादा जानकारी के लिए आपके स्क्रीन पे एक नंबर चला रहे हैं, उस नंबर पे अगर आप बिहार से हैं, मतलब इंडिया के किसी भी कोने से है, तो फोन करके भाई साहब से बातचीत करके अधिक जानकारी जुटाइए, पौधा खरीदिए और आराम से पैसा कमाइए। बाकी अगर आप नेपाल से हैं तो उसी नंबर के व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए या कॉल करके 24x7 भाई साहब से बातचीत कर सकते हैं। नेपाल वाले भाई लोग व्हाट्सएप पे फोन करेंगे तो जल्दी बात हो जाएगी, क्योंकि भाई साहब जो है इंडिया के रहने वाले हैं, बाकी नेपाल में भी अपना ऑफिस बनाएंगे, तमाम चीजें होंगी, लेकिन पहला ये टेस्ट, और टेस्ट जबरदस्त, मतलब साफ की बिहार और नेपाल के किसान भी सेव की खेती करें और साल के लाखों रुपए कमा के मालामाल हो जाए। वीडियो देखकर आपका विचार क्या करता है बताइएगा। जय हिंद।